पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जहां आरपीएफ और जीआरपी द्वारा किया गया सराहनीय मामला प्रकाश में आया है, एक बच्चे के गुम हो जाने की स्थिति में दी गई प्रार्थना पत्र के आधार पर जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने बच्चे को सकुशल रेस्क्यू कर उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वहीं बच्चे को सही सलामत पाकर उसके माता पिता ने जीआरपी और आरपीएफ का आभार व्यक्त किया है। दरअसल पूरा मामला मुगल सराय कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत काली महल का है, जहां 5 साल का मासूम शिवा बीते 21 मई 2021 को अपने घर से खेलते हुए गुम हो गया था। परिजनों ने बच्चे को हर जगह तलाश किया, पर शिवा का कुछ पता नहीं चल सका, जिसके बाद शिवा के परिजनों ने 1 जून को DDU, GRP और RPF से मदद की गुहार लगाई। मामले में GRP और RPF की संयुक्त टीम ने CCTV फुटेज के आधार पर विभिन्न जगहों पर बच्चे की तलाश शुरू कर दी। काफी मशक्कत के बाद बच्चे को वाराणसी क्षेत्र से बरामद कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। बच्चे को पाकर परिजनों ने GRP और RPF का तहे दिल से धन्यवाद प्रकट किया है। शिवा नाम का बालक उम्र करीब 5 वर्ष, करीब 10 दिन पूर्व अपने घर से भाग गया था। कल इसके परिजन थाने पर आकर सूचना दिए तथा मदद की गुहार लगाए। इस पर GRP और RPF की संयुक्त टीम द्वारा टीमें गठित की गई। आज शिवा नाम के बालक को बनारस से सकुशल बरामद करके उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मुगल सराय से चलते चलते टेंशन पर गया, वहाँ से गायब हो गया, खोजते खोजते परेशान हो गए। तो कल हम सूचना दिए GRP में, RPF में भी दिए, तो GRP वाला हम लोग को खोज के दिए बच्चे, तो हम खुश हो गए। आप सूचना दी, उसके बाद बच्चा मिल गया आपको? हाँ, मिल गया। कितनी खुशी है आपको अभी? बहुत खुशी है। साहब लोग को क्या कहेंगे? धन्यवाद। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।